दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे 2020 में आए हॉलीवुड की 10 बेहतरीन मूवीज के बारे में। वैसे तो कोविड-19 के चलते हुए बहुत सी मूवी रिलीज नहीं हो पा रही है, पर जितनी मूवीज आई है बहुत ही कमाल के, बहुत ही अमेजिंग मूवीज हैं और इन मूवीज को आपको जरा भी मिस नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों हमारी फर्स्ट मूवी द इनविजिबल मैन, ये मूवी 2020 में, ये एक हॉरर मिस्ट्री साइफाई मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई सिसिलिया नाम की एक लड़की की, जिसका बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है और वो उसे अपने घर में कैद करके रखता है, उसे टॉर्चर करता है। पर सिसिलिया एक दिन किसी न किसी तरह से वो वहां से भाग जाती है और उसके कुछ सालों बाद उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। पर उसका बॉयफ्रेंड असल में मरा नहीं होता है, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली होती है जिसके जरिए वो गायब हो सके, और फिर वो पड़ जाता है सिसिलिया के पीछे उसे मारने के लिए। आगे कहानी आप खुद देखिए इस मूवी के अंदर कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए वो गायब हो सकता है और सिसिलिया को मारने की कोशिश करता है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिली 7.1/10 IMDb से। दोस्तों मेरी सेकंड मूवी है द मैन ओनली आई वन। ये मूवी 2020 में, ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। ये मूवी एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक आइवन नाम के गोरिल्ले की, जिसे कैद करके रखा होता है और उसे काम करवाया जाता है सर्कस में लोगों को एंटरटेन करने के लिए। पर एक दिन उसकी दोस्त स्टेला, जो की एक एलिफेंट होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उससे वो वादा कर जाती है कि तुम्हें इन सभी जानवरों को इस कैद से निकालना होगा, सभी के सभी जानवरों को जंगल में ले जाना होगा। अगर आप एक एनिमल लवर हो या आपको एनिमल वाली मूवीज पसंद आती है तो आपको ये मूवी जरा भी नहीं कहने चाहिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिले 6.7/10 IMDb से। दोस्तों हमारी थर्ड मूवी है एनोला हाउस। ये मूवी 2020 में, ये एक एडवेंचर क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 16 साल की लड़की, इसका नाम होता है एनोला, जिसकी माँ खुद ही एक दिन कहीं पे चली जाती है और एनोला अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है एक पागल लड़के के साथ। एनोला की जर्नी बहुत ही कमाल की होती है और इस मूवी में आपको शेरलॉक होम भी देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिली 6.7/10 IMDb। दोस्तों हमारी फोर्थ मूवी है द स्मचव मूवी, स्मचपन ऑन द रन। ये मूवी 2020 में, ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। दोस्तों अपने बचपन में स्मचपन स्केयर पॉइंट कार्टून शो तो देखा ही होगा, उसी पर बेस्ड ये पूरी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई स्मचपन की, जिसका की एक पेट गैरी, जो की एक स्नेल होता है, एक दिन बुक हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए स्मचपन और उसका बेस्ट फ्रेंड पैट्रिक निकल जाते हैं एटलांटिक सिटी की ओर, जो की एक बहुत ही कमाल की जगह होती है। गैरी को ढूंढने के बजाय ये दोनों वहाँ पे मस्ती करने लपटते हैं। आगे की कहानी इस मूवी के अंदर खुद देखी कि ये दोनों गैरी को ढूंढ पाते या नहीं ढूंढ पाते हैं। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। इस मूवी को रेटिंग मिली 6.3/10 IMDb से। दोस्तों में नेक्स्ट मूवी है विल एंड टेड फेस द म्यूजिक। ये मूवी है 2020 में, ये एक एडवेंचर कॉमेडी म्यूजिक मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है दो दोस्त विल एंड टेड की, पर एक दिन एक विजिटर आती है, यानी कि एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से आती है और दोनों फ्रेंड्स विल एंड टेड को कहती है कि उन दोनों का एक गाना, जो कि उन्होंने खुद गाया होता है, वो करोड़ों जिंदगियां बचा सकता है, पूरे यूनिवर्स को बचा सकता है तबाह होने से। आगे कहानी आप खुद देखिए इस मूवी के अंदर कि ये दोनों फ्यूचर में जाके एक गाने के जरिए पूरी पूरी यूनिवर्स को कैसे बचाते हैं। और ये मूवी बहुत ही कमाल की एडवेंचर साइफाई मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिली 6.2/10 IMDb से। दोस्तों में नेक्स्ट मूवी है इम्प्रैक्टिकल जोक्स द मूवी। इस मूवी का जॉनर ओनली फॉर कॉमेडी है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी कमाल की मूवी है ये। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई चार दोस्तों की, जिनको की बहुत से चैलेंजेस दिए जाते हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके ऊपर हिडन कैमरे से नजर रखी जा रही है, उनके साथ प्रैंक किया जा रहा है। ये मूवी बहुत ही कमाल की फनी कॉमेडी मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिली 5.9/10 IMDb से। दोस्तों मेरी नेक्स्ट मूवी है ड्रीम हाउस। ये मूवी 2020 में, ये एक बायोग्राफिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की जैन वोकैस की, जिसका एक सपना होता है कि उसका एक खुद का हॉर्स हो और वो उसे हॉर्स राइडिंग रेसिंग में पार्टिसिपेट ले और उसे जीते। क्या ये अपने सपने को पूरा कर पाती है नहीं कर पाती, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ही कमाल की है और इस मूवी को रेटिंग मिली 5.8/10 IMDb से। दोस्तों मेरी नेक्स्ट मूवी है अंडर वाटर। ये मूवी 2020 में, ये एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई ऐसी कंपनी की, जो समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग कर रही होती है और भी ज्यादा रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, पर अचानक से एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग वहाँ पे काम कर रहे मर जाते हैं और कुछ बचे लोग वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं ये आपको आगे मूवी में देखना पड़ेगा। इस मूवी को रेटिंग मिली 5.8/10 IMDb से। दोस्तों मेरी नेक्स्ट मूवी है मुलेन। ये मूवी 2020 में, ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई एक यंग चाइनीज वुमन की, जो कि अपने बूढ़े पिताजी को गुलामी ना करने के लिए लड़ती है वहाँ के मेल वॉरियर से। ये अपने पिताजी को बचा पाती है गुलामी करने से या नहीं बचा पाती, ये आपको मूवी के अंदर देखना पड़ेगा। इस मूवी को रेटिंग मिली 5.4/10 IMDb से। दोस्तों मेरी लास्ट मूवी फैंटेसी आइलैंड। ये मूवी 2020 में, ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई एक फैंटेसी आइलैंड, एक लग्जरियस आइलैंड की, वहाँ का ओनर कुछ लोगों को बुलाता है, यही उन लोगों भी सबसे बड़ी गलती होती है जो भी उन्हें मौत के मुंह तक ले जाती है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग 4.9/10 IMDb से। सो हे गाइस, ये थी 2020 में आई हॉलीवुड की 10 बेहतरीन मूवीज, जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।